स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। आज हम दोस्तों देखने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 7। जैसा कि मैं बता दूं, हम जनरल साइंस के लेक्चर्स पढ़ रहे हैं। अब रेगुलरली हो या इरेगुलर हो, बट हम जनरल साइंस एक्चुअली पढ़ रहे हैं। तो जनरल साइंस में आप देखेंगे कि आप हमने जो अभी तक पढ़ा है जनरल साइंस सामान्य विज्ञान में, 6 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। हम हमारा लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था और उसमें हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की बात करी थी, और लास्ट थोड़ा बहुत सेकेंड थर्ड लॉज एंड सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बचा है इस चैप्टर में। तो इस लेक्चर में वो सब कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट हम आगे फिर मूव ऑन करेंगे। सो हमें इस लेक्चर में क्या पढ़ना है वो मैं बता दूं। अभी हम हाल ही में हम जो पढ़ने वाले, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है न्यूटन्स लॉ ऑफ, ठीक है। अब कौन सा लॉ की बात कर रहा हूं, वो सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं गति के नियम पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अगर हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दूं कि गति के नियम पढ़ रहे हैं हम, गति के नियम पढ़ रहे हैं, और सेकेंड नंबर हम पढ़ने वाले हैं आज। इसके पहले मैं सारे लेक्चर बता चुका हूं, डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं सारी चीजें, मेजरमेंट यूनिट्स एंड सब चीजें हमने पढ़ी, मोशंस पढ़ा हमने, उसके बाद हम सारे मोशन पढ़ने के बाद हम लॉज पे आए हैं, फोर्सेस पढ़े हमने। सो अब हम सारी चीजें कंटिन्यू आगे देखते हैं कि हम न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या पढ़ना है हमें। देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ के मैं बात करता हूँ, डेफिनेशन की मैं बात करूं तो डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, इसकी डेफिनेशन कहती है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये मेन चीज है, चेंज ऑफ किस चीज का चेंज, मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात हम कर रहे हैं। और मोमेंटम क्या होता है आप लोगों को पता है, अगर हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता दूं तो हिंदी मीडियम वालों के लिए मोमेंटम के मैं बताऊं तो क्या किया जाता है, मोमेंटम को हम क्या कहते हैं, संवेग, इंपल्स को क्या कहते हैं हम, वेग, और उसको सॉरी वेग, संवेग और आवेग, ठीक है। सो ये तीन चीजें होती हैं, तो हम इंपल्स को आवेग कहते हैं एंड संवेग हम मोमेंटम को कहते हैं। थोड़ा बहुत अगर हिंदी में मिस्टेक हो जाए तो माइंड मत कीजिएगा, इतने सारे हिंदी नेम्स याद रह नहीं पाते हैं। सो यहां पर हम बात करें तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं, ऑफ एन किस चीज की, ऑफ एन ऑब्जेक्ट बॉडी, किसी भी चीज के लिए हम ले लो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा, इज प्रपोर्शनल, इज प्रपोर्शनल, अब प्रपोर्शनल है, ठीक है, प्रपोर्शनल है किस चीज के, टू द अप्लाइड, अप्लाइड भी क्या, अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड है जब तक तो बराबर स्थिति में रहेगा, अनबैलेंस्ड होगी एक तरफ से ज्यादा लग गया नॉर्मल से तो ही वो मोशन या किसी चीज में मोमेंटम चेंज करेगा। मोमेंटम में पिछले लेक्चर में बता चुका हूं क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी, ओके, एंड सबकी यूनिट्स भी आपको जाननी जरूरी है। अब अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ऑफ फोर्स, ये है भैया हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो कहता है वो आपको क्या कर रहा है, संवेग में परिवर्तन की बात कर रहा है, चेंज ऑफ मोमेंटम, किस चीज के कारण, किसी भी आपकी फोर्स जो है अनबैलेंस फोर्स उसके कारण। अब क्या है इसका, अगर हम मैथमेटिकल टर्म देखें तो वो क्या क्या बात होने वाली है, तो फोर्स इज प्रपोर्शनल टू डीपी बाय डीटी। देखिए अब यहां पे फोर्स जो है डीपी, हमने पी तो ले लिया, मोमेंटम प्रोपोर्शनल है भैया डीपी बाय डीटी, क्यों है, चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है इसलिए हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा, डी डी लगाना होगा डी बाय डीटी। अब टी क्यों कर रहा है, टी किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के, कि कुछ भैया कुछ टाइम से ही तो आपका चेंज हुआ है, थोड़ा बहुत टाइम भी तो हुआ होगा उसमें, तो उसके रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं। अब क्या बात है, ऊपर जो है वो क्या है, चेंज इन मोमेंटम, अब नीचे क्या है वो है चेंज इन टाइम, समय में परिवर्तन, ओके, ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई। अब इसको देखिए, कोई भी डेफिनेशन हो साइंस में आपको बिना एग्जाम्पल के आप नहीं समझ सकते, आप सब एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझेंगे तो आपके दिलों में और आपके दिमाग में वो चीज बस जाती है, क्योंकि अगर आपने एग्जाम्पल रियल लाइफ के देख लिए तो हम वो भी आगे देखेंगे। अब पहले एक आपको कंडीशन बताता हूं, देखिए अब आपको पता है पी क्या होता है, एम वी, ये आप जानते हैं, एंड फोर्स क्या होता है, एम इंटू ए, मास इंटू एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन अगर जो है क्या डिपेंड करता है ये फोर्स, ठीक है, ये फोर्स कैसे डिपेंड करता है वो देखिए। अब अगर एक्सिलरेशन, मास तो देखिए कांस्टेंट ही होता है, कांस्टेंट नहीं, नॉन जीरो होता है, नॉन जीरो यानी कि मास नॉन जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ मास होता ही है। अगर इफ हम एक्सिलरेशन, हमारा जो ए है वो जीरो कर दे, एक्सिलरेशन जीरो यानी एक्सिलरेशन है ही नहीं, तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, फोर्स भी हो जाएगा ना, मास तो है इंटू जीरो करेंगे तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा, यानी कि जीरो फोर्स।
अब जीरो फोर्स हो गया तो बॉडी या तो मूव करेगी, ठीक, मूव सॉरी बॉडी, या तो जो किसी कांस्टेंट आपके जो एक, अगर आप 20 के किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे हैं तो अगर आपके अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता है, फोर्स जीरो है तो आप उसी से जाएंगे। वहीं अगर आपका किसी फोर्स लग गया था, अनबैलेंस फोर्स, तो आपकी स्पीड बढ़ा देगा या कम कर देगा। तो अगर जीरो ही है तो आप उसी स्पीड से चलेंगे, ये एक चीज बात है। या फिर अगर आप रेस्ट पे हैं, अगर आपका फोर्स लग ही नहीं रहा है तो भी मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा, यानी फोर्स जीरो है। ओके, तो ये दो कंडीशन, अगर आपका एक्सेलरेशन जीरो है तो ये कंडीशन बनती है। चलिए हम बात कर लेते हैं अब अपने एग्जाम्पल्स की और, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइंस अप्लाइड हो रही है रियल लाइफ में, तो कहां हो रही है वो हमें जानना जरूरी है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यहां आपको जैसा दिख रहा है यहां पे लिखा है, अप्लाई फोर्स अप्लाई, हाँ, इफ यू अप्लाई मोर फोर्स टू एन ऑब्जेक्ट इट एक्सेलरेट्स एट हाई रेट। ऑब्वियस सी बात है, आप ज्यादा फोर्स करोगे तो ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। ये देखिए किसी बॉडी का मास है यहां पर रखा हुआ है, ये आपके पास आपकी फोर्स थी जो आपने लगा रहे हैं, एक्सेलरेशन इससे जनरेट हो रहा है, आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में फर्क आ रहा है। ज्यादा एक्सिलरेशन ज्यादा फोर्स, ज्यादा फोर्स ज्यादा एक्सिलरेशन, ठीक है, ज्यादा फोर्स ज्यादा एक्सिलरेशन, देन ज्यादा स्पीड इंक्रीज हो रही है, उसी कारण आपका मोमेंटम भी चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, ये बात आपको समझ में आ रही है, ये फोर्स की बात है। वही जो मैंने अभी ज्यादा फोर्स वाली बात बताई वो देखिए यहां पे, मोर फोर्स मास तो वही है, मोर एक्सिलरेशन स्पीड इंक्रीज फास्टर्स, ये न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो कि मैं बात कर रहा हूं आपके लिए। तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, फर्स्ट एग्जाम्पल ये जो देख रहे हैं आप, क्रिकेट बॉल, ठीक है। अभी क्रिकेट बॉल क्या है, क्या काम है, इस एग्जाम्पल का क्या काम है, ये आपकी क्रिकेट बॉल है। आपने देखा होगा कोई भी प्लेयर या फिर आपने खेला अगर क्रिकेट, तो आपको जानते हैं कि अगर आपके पास अगर हाई राइज कैच आ रहा है आप उसको कैच करते हैं, आपने उसको कैच किया, आपके हाथ में वो बॉल आई, ये बात हुई, एंड आपने क्या करा, वो हाथ पे जैसी बॉल आती है हाथ को थोड़ा सा बैकवर्ड, अगर आप ऊपर से कैच कर रहे हैं तो पीछे ले जा रहे हैं, और अगर ऐसे कैच कर रहे हैं तो थोड़ा सा बैकवर्ड नीचे ले जा रहे हैं, वो क्यों ले जाते हैं आप, यही मेन बात है। अ फील्डर पुल्स हिज हैंड ग्रेजुअली विथ द मूविंग बॉल विथ होल्डिंग अ कैच, बेल होल्डिंग अ कैच, क्यों करता है ऐसा, यही चीज एग्जाम्पल है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझाने के लिए। अब ये चीज होती क्यों है वो चीज आपको जानना जरूरी है, बिकॉज अगर अगर क्रिकेट प्लेयर कर रहा है, क्या कर रहा है, अगर आपने कैच इस जगह करा तो क्या कर रहा है, वो टाइम इंक्रीज कर रहा है, उसने क्या करा, टाइम इंक्रीज कर दिया, ठीक है। उससे क्या हुआ, अब क्या हुआ था, एक हाई वेलोसिटी की बॉल जो आ रही थी आपके हाथ में, उसने क्या करा, उसे बैकवर्ड ले गया और उसने टाइम इंक्रीज कर दिया, और वो एक्सिलरेशन जो वेलोसिटी से बॉल आ रही थी, यहां पर किसी वेलोसिटी से थी समथिंग, मान लीजिए कुछ वेलोसिटी थी एक्स, यहां पर वेलोसिटी हो गई जीरो, यानी कि वो होल्ड हो गई आपके हाथ में। अब उसने इतना टाइम उसको करवा दिया, एक्स्ट्रा करवा दिया, टाइम इंक्रीज करवा दिया, तो क्या होगा, द एक्सिलरेशन जो होती है बॉल की वो डिक्रीज हो जाएगी, एक्सिलरेशन जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन कम हो गया, उससे क्या फर्क पड़ा हमें, तो जो इंपैक्ट पड़ रहा था आपके हाथ में, जो आपके हाथ में एकदम से लग जाती है और आप इसको पीछे ले जाते हैं तो आपके हाथ में कम हर्ट होता है, यानी कम लगती है, तो वो इसी चीज से फर्क पड़ता है। अगर वहीं पे अगर वो हाई मोमेंटम और हाई वेलोसिटी, हाई एक्सेलरेशन, सभी चीजें प्रोपोर्शनल है आपको पता है, तो आप इसी से पकड़ते हैं तो आपके हाथ में लगती, बट आपने टाइम इंक्रीज करके उसे कम कर दिया, तो उससे क्या हुआ, आपका जो कम होने के कारण आपके हाथ पे उससे ज्यादा नहीं लगी आपको। तो यही एक एग्जाम्पल है, सडनली अगर आप कैच करते तो एकदम से आपको लग सकती थी, तो इसी कारण से आप बच सकते हैं। आपने क्या करा, अगर आपने शॉर्ट, मतलब आप मान लीजिए आपने सडन कैच किया तो आपके शॉर्ट टाइम में आपने कैच कर लिया, तो आपका मोमेंटम हाई, एक्सेलरेशन हाई, वेलोसिटी हाई आपके हाथ में लग सकती थी, बट आपने उसको टाइम इंक्रीज कर दिया तो सब चीजें आपने डिक्रीज कर दी, इसी कारण से आपके हाथ में कम दर्द होगा, आप अगर आप कैच कर रहे हैं तो कम आपको लगेगी। सेकेंड एग्जाम्पल और है, वो भी आप देख लीजिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं। अब देखिए जो एथलीट है, एथलीट्स हैं ये, आप देख रहे हैं ये जो क्या कर रहे हैं, यहां पर आपके यहां पर देखिए ये लॉन्ग जंप वाला जो है, यहां पर से उन्होंने जंप स्टार्ट करा, आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, देख लीजिए एग्जांपल, ये जंप स्टार्ट करा उन्होंने, जंप करते करते वो जब जंप कर रहे थे यहां पर, तो उन्होंने यहां पर जब वो कूदे तो यहां पर देखिए यहां पर सैंड रहती है, आपको पता है, आप हर चीज में एग्जांपल जोड़ सकते हैं, मैं एक एथलीट के लॉन्ग जंप की बात कर रहा हूं, उन्होंने क्या करा, अगर आप, वो सडनली सैंड क्यों बिछाई जाती है, ये चीज मेन चीज है कि आपके यहां सैंड क्यों बिछाई जाती है, यहां पे सैंड, अगर यहां पे कुछ भी फर्सी या फिर आपका नॉर्मल कॉन्क्रीट की कुछ भी पेवमेंट या कुछ भी होता तो आपको लग सकती थी, बट ये सैंड बिछा के क्या कर रहे हैं, वो टाइम इंक्रीज कर रहे हैं इस कारण से,
टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, आपका फॉल हो रहा है, जब वहां पे आप फॉल कर रहे हैं तो आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और सब चीजों पे फर्क पड़ जाता है, और उसी कारण से आपको लगती कम है, इसीलिए हम वहां पर सैंड बिछाते हैं। और अगर एग्जाम्पल में एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि वहां सैंड क्यों रखी जाती है, तो आपको सीधा सा सीधा यही चीज बतानी है जो मैंने आपको समझाई है। समझ में आ गई दोस्तों? तो दो एग्जाम्पल काफी है आप लोगों के लिए समझने में। चलिए हम मूव करते हैं आगे, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये तो बाय हार्ट याद होगा। चलिए नेक्स्ट, व्हाट न्यूटन, गति के नियम पढ़ रहे हैं हम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये तो आपको बाय हार्ट याद होगा क्योंकि इजी भी होती है डेफिनेशन, याद भी रहती है। ये क्या कहता है कि अगर फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल, बराबर एंड विपरीत, अपोजिट रिएक्शन। एंड एक और चीज, ये भी मेन चीज है, ये ध्यान नहीं रखते हैं हम, एंड बोथ एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। चलिए ये कहता है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ, इसे भी हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखिए एक एग्जांपल पहले बताता हूं, ये रॉकेट का, आपके सामने रॉकेट है। अब इससे क्या है, अब देखिए आपके सामने ये जो चीज दिख रही है यहां पर, एग्जॉस्ट फ्लो पुश्ड बैकवर्ड्स, यानी कि जो यहां पर गैसेस हैं, ये एग्जॉस्ट जो फ्लो हो रहा है गैसेस का, ये बैकवर्ड जा रहा है। अब क्या हो रहा है, ये बैकवर्ड जा रहा है, रॉकेट तो हमारा आगे जा रहा है। अब ये देखिए यहां पर लिखा है ना, इंजन पुश्ड फॉरवर्ड, तो ये जो आपका एक्शन हो रहा है, आपका इक्वल हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं दोनों, तो आपने पीछे की तरफ बैकवर्ड एग्जॉस्ट फ्लो हो रहा है पीछे की तरफ, और आपका इंजन आगे की तरफ पुश्ड हो रहा है। तो यही कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसी कारण हमारा काम चल रहा है। और अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं, नाव चला रहे हैं, तो वहां पर भी यही चीजें लागू होती है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि आप पीछे की तरफ फोर्स बढ़ाते हैं और आगे की तरफ आप मूव करते जाते हैं। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। जैसा कि मैंने बताया आपके सामने नेक्स्ट एग्जाम्पल है, और यही मैं बात कर रहा था, आपने यहां पर रिएक्शन क्या करा था, आपने यहां से इसे पीछे की तरफ आप पुश कर रहे हैं, पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं, आप मूव कहां कर रहे हैं, आगे की तरफ मूव कर जा रहे हैं, यही चीज हो रही है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। जितना आप फोर्स लगा रहे हैं, एनर्जी खर्च कर रहे हैं पीछे की तरफ, उसमें आप एनर्जी लगा रहे हैं पानी में, उतना ही एनर्जी से की वजह से आप आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करते जा रहे हैं। तो एक एग्जांपल ये भी है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझाता है, ध्यान रखिएगा। यही अगर आप स्विमिंग का भी ले सकते हैं, एक एग्जाम्पल ये ले सकते हैं, सेकेंड हम स्विमिंग लिख देते हैं। अगर आप तैरते हैं तो आपने ये चीज महसूस करी होगी, जो एक्शन नाव के साथ हो रहा है वही चीज स्विमिंग में भी होती है। और आप चलते हैं, वॉकिंग भी कर सकते हैं आप इसको, वॉकिंग, ये एग्जांपल आपको दिखा के समझाने की जरूरत नहीं, स्विमिंग इससे इससे समझ जाएंगे, एंड वॉकिंग तो आपको पता ही है, चलते ही आप नॉर्मल आम जिंदगी में, तो आप पीछे की तरफ फॉरवर्ड, आप पीछे की तरफ पुश करते हैं आपके पैर, और आप आगे की तरफ चलते जाते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं, तो रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस का। चलिए अब ये चीजें हमारी हो गई, अब हम क्या बात करने हैं, अब हम बात कर रहे हैं हमारे इंपल्स का। इंपल्स, इंपल्स क्या चीज है भाई, अब ये चीज हमें जाननी जरूरी है, यानी कि आवेग। वॉट इज इंपल्स, अब हम ये समझते हैं कि आखिरकार इंपल्स क्या चीज है। हमने तीनों लॉज देख लिए, हमने मोमेंटम पढ़ लिया, हमने फोर्स पढ़ लिया, अब हम देखेंगे थर्ड नियम के बाद हमारा इंपल्स यानी कि आवेग। वॉट इज इंपल्स, अब जनरल से एक टर्म देखें इंपल्स का, अगर फॉर्मूला देखते हैं हम, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। ये चीज है, ठीक है, ऐसा यूनिट वगैरह सारी चीज मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। अब क्या है, इफ अ लार्ज बॉडी फॉर लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी कोई भी एक लार्ज फोर्स लग रहा है बॉडी पर और बहुत कम टाइम में लग रहा है, तो द प्रोडक्ट ऑफ दिस फोर्स एंड टाइम इज नोन एज इंपल्स। अब जो हमने इक्वेशन देखी, चेंज इन मोमेंटम इंपल्स इज इक्वल टू, यहाँ रेट ऑफ चेंज नहीं, चेंज इन मोमेंटम, ओके। अब डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि आपका इंपल्स जो है वो कब ज्यादा होगा, जब आपका फोर्स बहुत ज्यादा होगा और टाइम बहुत कम होगा। तो कंसेप्ट की मैं बात करूं कि अगर क्या कंसेप्ट होगा इंपल्स के लिए, आपका फोर्स वेरी लार्ज, ओके, अब अगर आपके टाइम की बात करूं तो शॉर्ट। यानी कि अगर आप बहुत ही कम समय में एक सडन
आपका जो चेंज आ जाए यानी सडन फोर्स आ जाए, लार्ज फोर्स आपके पास, तो वो इंपल्स पैदा करेगा, इंपल्स यानी कि आपका आवेग, ठीक है। अगर अब और वही चीज अगर हम क्या करें, अगर आपका शॉर्ट टाइम की मैं बात करूं तो हमें क्या करना है, एग्जाम्पल पढ़ने से पहले ये चीज बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं शॉर्ट टाइम, अब क्या करें हम, हमें पता है शॉर्ट टाइम पे अगर फोर्स ज्यादा लग जाए तो हम उसके इंपल्स को बढ़ा रहे हैं, इंपल्स हमारे लिए खतरा है क्योंकि इंपल्स ज्यादा है तो हमें ही नुकसान है, किसी ऑब्जेक्ट पे इंपल्स लग गया तो ऑब्जेक्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम क्या करें, तो हमें क्या करना है, टाइम इंक्रीज करना होगा। जिस तरह मैंने आपको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में बताया था कि आप अगर टाइम इंक्रीज करते हैं जब कैच करने के टाइम, तो आपके हाथों पर भी इंपल्स आता है एकदम, अगर वो एकदम से आपके एक्सेलरेशन वेलोसिटी से अगर आप पे बॉल आई तो हम क्या करते थे, टाइम इंक्रीज करते थे, वही हमें करना है टाइम इंक्रीज। अगर हमने टाइम इंक्रीज करने में हमने टाइम इंक्रीज कर दिया, अगर हमने टाइम इंक्रीज कर दिया तो ऑब्वियसली आपका इंपल्स का इफेक्ट आपके ऊपर कम पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वो कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल्स यहां पर देखिए, या रनिंग के टाइम, आप अगर एथलीट की मैं बात करूं तो रनिंग के टाइम क्या होता है, आप जब रनिंग की फिनिशिंग लाइन के बाद रन करते हैं तो आपने देखा होगा जो आपका एथलीट होते हैं वो धीरे 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 मूव करते हैं, स्लो स्लो रन करने लग जाते हैं, यानी कि वो एकदम स्पीड में तक यहां तक पहुंचते हैं, उसके बाद वो धीरे 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 आगे जाते हैं। वहीं क्यों नहीं रुक गए, स्टॉप क्यों नहीं हुए वहीं पर, वो आगे आके यहां पर स्टॉप क्यों हुए, यहां पर आके उन्होंने क्या करा कि अगर यहां स्टॉप हो जाते, अगर वो यहीं पर फिनिशिंग लाइन पर आके, तो सडन जर्क उनकी बॉडी पे होता और वो इफेक्ट इंपल्स क्रिएट करता और उसी कारण आपकी बॉडी पे नुकसान आ सकता था, आपके आपको आपके डैमेज आ सकते थे बॉडी में और बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम हो सकती थी अगर एकदम सडन आप वहां पर रुकते। वहीं आप अगर आप आगे जाकर रुक रहे हैं यहां पर, ठीक है, तो क्या हो रहा है, टाइम इंक्रीज कर दिया तो वो जो इफेक्ट था इंपल्स का वो एकदम नहीं आया, टाइम इंक्रीज होने के बाद आप रुके तो इंपल्स का इफेक्ट कम कर दिया। तो यही चीज हम करते हैं इंपल्स की डेली लाइफ में रूटीन में यूज। अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें, ये फर्स्ट वन आपने देख लिया, हम सेकंड एग्जांपल की भी बात करता हूं, तो सेकंड एग्जांपल आपका होने वाला है ग्लास एंड चाइना वेयर्स। ग्लास एंड चाइना वेयर्स आपने देखे होंगे, चीनी और ग्लास के बर्तन, ये इनकी पैकिंग, ओके, इनकी पैकिंग आपने देखी होगी, तो इनकी पैकिंग में क्या होता है, पैकिंग में आपने देखा होगा या तो फॉर्म लगाते हैं या फिर घास फूस लगा देते हैं, या फिर थर्ड वन आप देखें तो आपने थर्माकोल्स का भी यूज करते हुए देखा होगा, ठीक है, तो ये सब चीजें, और आपने पेपर्स का भी देखा होगा, तो ये सब क्या करते हैं, अगर आपका ये ऑब्जेक्ट, अगर मान के चलिए आपने ये पार्सल आपके हाथ में ले रखा है, या आपने हाथ में पार्सल ले रखा है और आपने इसको गिरा दिया फ्लोर पर, तो यहां वो टूट सकता था अगर वो इन सब चीजों पैकिंग में नहीं होगा आपका सामान, वहीं आपने इसको पैक करा तो आपने क्या करा, पैकिंग से कारण से क्या हुआ, पैकिंग के कारण से क्या हुआ, उससे आपने क्या करा, टाइम इंक्रीज करा, क्योंकि एकदम गिरा तो टाइम इंक्रीज हुआ उस फोर्स को वहां तक पहुंचने में, ठीक है, वहां तक पहुंचने में आपने टाइम इंक्रीज करा आपके ऑब्जेक्ट पे, आपके ग्लास या चीनी के बर्तन पे फोर्स को पहुंचाने में, तो इंपैक्ट का असर कम हुआ उसी कारण से वो नहीं टूटा। तो ये जनरल कंसेप्ट होता है इंपल्स का, और एग्जांपल्स के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। सो अब नेक्स्ट मूव करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर हमारे लिए, हमारा फोर्स, सॉरी फ्रिक्शन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन यानी कि आपका, सॉरी, घर्षण, ठीक है, इसकी हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार क्या है फ्रिक्शन और उसके टाइप्स हम देखेंगे, ठीक है। अगर आप फ्रिक्शन देखें तो आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, ये आपका कुछ ऑब्जेक्ट है जो आपने देखा आपके सामने पड़ा हुआ है, ओके, ये आपका ऑब्जेक्ट, आपने इस पे फोर्स, पुशिंग फोर्स लगाया यानी इसको आपने धक्का देने की कोशिश करी, ये यहां पर फ्लोर है एंड यहां आपका उसका मोशन होना स्टार्ट हुआ। अब क्या हुआ, वो मोशन होना स्टार्ट हुआ पर वो थोड़ा टाइम लगा मोशन होने में, वो किस वजह से टाइम लगता है, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से लगता है जो कि उसको रोक रहा था। फ्रिक्शन क्या करता है, अपोजिट फोर्स लगाता है, आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसके अपोजिट में वो फ्रिक्शन लगाता है, यानी कि वो उसको रोकता है। आप उस पर आपने देखा होगा अगर ज्यादा फ्रिक्शन होगी, स्मूथ सरफेस होगी तो वो स्लाइड कर जाएगा, रोल कर जाएगा, बट अगर आपने देखा होगा दरदरी सरफेस, रफ सरफेस होगी तो आप देखा होगा आपको फोर्स ज्यादा लगता है। आप कुछ भी टेबल, चेयर, आप या सोफा या कुछ भी खिसका रहे हैं आप फ्लोर पे, तो आपने देखा होगा, तो वो फ्रिक्शन के कारण आपको ज्यादा एनर्जी लगती है। अब देखिए आप बताइए, फ्रिक्शन आपके लिए एक तरफ तो बहुत नुकसानदायक है और एक तरफ आपके लिए बहुत जरूरी भी होता है, वो मैं आगे बताऊंगा क्यों। तो फ्रिक्शन आपके एनर्जी लॉस करवाता है, यानी कि आपको ज्यादा एनर्जी लगवानी पड़ेगी अगर फ्रिक्शन हो डेवलप हो गया, तो फ्रिक्शन एक तरीके से ज्यादा एनर्जी लगवाएगा, आपसे ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो वो चीज ही फ्रिक्शन फोर्स होती है जो कि अपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड,
ये चीज आपको समझ में आई, डेफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं है। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो पहला होता है स्टैटिक, इसे समझेंगे। सेकंड होता है लिमिटिंग, है ना, एंड थर्ड वन होता है काइनेटिक। हिंदी में से लिख लें तो स्टैटिक की हम बात करें तो स्टैटिक आपका कौन सा होने वाला है? स्थैतिक, स्टैटिक। इसके बाद आपका देखें सीमांत। देखिए इंग्लिश वर्ड काफी ज्यादा हिंदी और संस्कृत वर्ड से ही बनते हैं, तो वो चीज आपको कुछ कुछ तो चीजें हिंदी के इंग्लिश में सेम ही मिलेंगे आपको। एंड आपने जो अपना लास्ट वाला फ्रिक्शन की बात करूं, हमने जो काइनेटिक की बात करी उससे भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे, उसके भी दो टाइप होते हैं तो वो भी देख लेते हैं। गतिक फ्रिक्शन, इसके भी दो टाइप होते हैं वो हम पढ़ेंगे, स्लाइडिंग एंड नेक्स्ट वन इज आपका रोलिंग, ये भी हम समझेंगे। ठीक है, तो क्या होता है ये, चलिए हम पहले हम देख लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की बात। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का एग्जांपल आपके सामने है, ये एग्जांपल हालांकि आपको सभी के लिए लग जाएगा बट हमें इसमें समझने के लिए मैंने इसको यहां लगाया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कहता है? स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो आपको बताऊं कि आप, चलिए मैं पहले लिख देता हूं लाइन, एक की लाइन लिख लेता हूं मैं, ठीक है। दैट कम्स इनटू प्ले बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट, ये सोफा पहले और ये सरफेस नीचे फ्लोर इन कॉन्टेक्ट बिफोर द एक्चुअल मोशन स्टार्ट्स। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो सरफेस है नीचे की, आपने देखा वहां से वो ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप कर रही, इतना कि आपने ये जो फोर्स लगाया था, ये जो आप फोर्स लगा रहे थे, ये फोर्स आपका इतना कैपेबल नहीं हुआ कि आप उसे सोफे को खिसका के आगे मोशन करा सके, यानी कि आप आगे उसको मोशन करा सके। ठीक है, मोशन नहीं हो रहा है, मोशन जीरो है, यानी कि ये जो है फ्रिक्शन फोर्स ये ज्यादा है, इस कारण से वो मोशन नहीं होने दे रहा है। जब तक नहीं होने दे रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा कि आपने उसको मोशन में नहीं आने दिया, स्टैटिक यानी रुका हुआ है। ठीक है, आगे और देखेंगे तो आप समझ जाओगे कि कैसा नेक्स्ट मोशन हम पढ़ेंगे तो आप समझ जाओगे क्या चीज है। सेकेंड में बात करूं लिमिटिंग फ्रिक्शन की, लिमिटिंग फ्रिक्शन के एक लाइन और की पॉइंट लिख लेता हूं मैं। अ बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड ओवर, स्लाइड और मूव, ठीक है, ओवर द सरफेस ऑफ अनादर बॉडी, या अनादर कुछ भी फ्लोर या कुछ भी, अनादर बॉडी। समझ में आया? यानी कि आप समझिए, अभी तक आप स्टैटिक में थे, रुके हुए थे, अब क्या हुआ, जस्ट बिगिन, जस्ट बिगिन यानी कि वो बस स्टार्ट हुई है, जस्ट बिगिंग है, बिगिन है यहां पर, ठीक है, जस्ट स्टार्ट हुई यानी कि लिमिट हो गई थी उस फ्रिक्शन की कि हाँ भैया मेरे पास इतना फोर्स झेलने की क्षमता है, मैं उसको अपोज कर सकता हूं। लिमिट फ्रिक्शन क्या है? अपोज ही होता है किसी फोर्स का, तो उसको मैं अपोज कर सकता हूं और ये मेरी लिमिट है। इस लिमिट तक आप पहुंच गए तब तक मैं रोकूंगा, बस इससे ज्यादा हुए तो मैं उसे स्लाइड मूव या रोल करवा दूंगा उस आप जो भी ऑब्जेक्ट खिसका रहे। ये वो एक लिमिट है, जस्ट स्टार्ट हो गई ना, अगर वहां पे आपका जो मोशन या फिर आपका मूवमेंट स्टार्ट हो गया या फिर स्लाइडिंग हो गया आपका ऑब्जेक्ट का, तो उतनी जो लिमिट होगी वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी कि मेरी भैया फ्रिक्शन की इतनी लिमिट है। आपने सरफेस स्मूथ कर दी, किस तरह हम इस फ्रिक्शन को कम भी कर सकते हैं बहुत सारी तरीके से, तो वो सब चीजें डिपेंड करती है। तो लिमिट हमें पता चल गई कि हाँ इस सर्फेस की इतनी लिमिट है, तो उसके ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्वियसली मूव करवा देगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड हम वन हम जो देखेंगे वो है आपका थर्ड वन काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, अब व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन? ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक रोलिंग एंड एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब क्या होगा इसका, अगर मैं की पॉइंट लिख लूं, की पॉइंट जिस तरह हमने सबका लिखा है, तो व्हेन अ बॉडी मूव्स, लिमिट के बाद की चीज है ये, ओके, ओवर द अनादर अनदर बॉडी, यानी कि एक बॉडी के ऊपर वो मूवमेंट चालू हो चुका है, चाहे वो स्लाइडिंग की हो या फिर आपका रोलिंग से हो। तो ये जो फोर्स ऑफ एक्शन इन दो बॉडी के बीच में लग रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है आपका ऑब्जेक्ट का और जो नीचे सरफेस है उसके, वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगा कि हमारे अब काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट हो चुका है, लिमिट क्रॉस कर दिया आपने, ज्यादा फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया। आपके सामने एग्जाम्पल है रोलिंग और स्लाइडिंग के, तो रोलिंग और स्लाइडिंग की मैं बात करूं तो आप देखेंगे यहां पर मैं लिख लेता हूं, नेक्स्ट हम जो इसके सब टाइप्स पढ़ेंगे वो पहला पढ़ने वाले हैं हम रोलिंग,
एंड सेकेंड वन इज स्लाइडिंग। रोलिंग भी समझते हैं, स्लाइडिंग भी समझते हैं, रोलिंग करना और एग्जाम्पल के थ्रू आप सब समझ जाएंगे। देखिए ये जो एग्जाम्पल था आपका, यहां पर फ्रिक्शन फोर्स मोड था जब वो स्टैटिक था, यहां पर आप स्टैटिक थे यानी कि आप उसको फोर्स लगा रहे हैं, वो अपोज कर रहा है, बराबर हो रहा है, जीरो हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है, वहीं पर वो रुका हुआ है, आप उसको खिसकाने पाए। बट यहां सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो वो क्या हो रहा है, आपने फोर्स लगाया और वो स्लाइडिंग चालू हो गई, यहां पे मूवमेंट होने लग गया, फ्रिक्शन थोड़ा सा उससे कम लगा क्योंकि फोर्स ज्यादा हो गया फ्रिक्शन के कंपेयर में, तो वो स्लाइड करने लग गया सरफेस पे। थर्ड एग्जाम्पल आप देखें तो वो है इस तरह का रोलिंग, आपने देखा ये रोलिंग स्टार्ट हो गया, तो रोलिंग ये दोनों काइनेटिक में ही आते हैं, रोलिंग और स्लाइडिंग। तो दोनों में क्या फर्क है, देखिए रोलिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, सॉरी स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऑलवेज मोर देन रोलिंग, ये ध्यान रखिए, ऑलवेज इतना ही ध्यान रखना है, मोर देन रोलिंग। रोलिंग फ्रिक्शन में फ्रिक्शन कम लगता है, ठीक है, फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा, व्हेन अ वन बॉडी रोल्स ओवर द अदर बॉडी देन द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू इज कॉल्ड अ रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होता है आपके उसके स्लाइडिंग के कंपेयर में। तो आपने देखा जिस तरह मैंने बताया कि स्लाइडिंग में जो फ्रिक्शन होगा वो मोर होगा, यहां पर फ्रिक्शन मोर है, यहां किस बात की बात कर रहा हूं मैं, स्लाइडिंग में ऑलवेज क्या मोर है, फ्रिक्शन, यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं, फ्रिक्शन इज ऑलवेज मोर, यानी कि स्लाइडिंग ज्यादा नहीं हो रही है, फ्रिक्शन ज्यादा है, यानी कि स्लाइडिंग में आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू रोलिंग, तो आपको रोलिंग में ज्यादा ईज रहेगा आप किसी भी चीज को, ऑब्जेक्ट को मूव करवाने वाले। तो ये दो प्रकार होते हैं आपके काइनेटिक फ्रिक्शन के, रोलिंग एंड स्लाइडिंग। इसके आगे हम कब आप चीज देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन आपके एक्चुअल लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या रखता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन किस टाइप से है। देखिए हमने जैसा देखा कि रोलिंग में फ्रिक्शन कम लगता है स्लाइडिंग के कंपेयर में, तो हम ज्यादातर प्रिफर करते हैं हम रोलिंग को। तो आपने देखा होगा अगर लगेज और आपका जो जितना भी बोगीज लगेज होते हैं और ये सब होते हैं उसमें रोलर्स यूज होते हैं नीचे, हम चाहे तो उसे स्लाइड करके भी ले जा सकते हैं बट रोलिंग से हम उसका फ्रिक्शन कम कर देते हैं और हमें ईज होती है उनके मूवमेंट में। तो ये सब चीजें एप्लीकेशन प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होती है। चलिए हम आगे देख लेते हैं, जो मैं इंपॉर्टेंट बात आपसे बोली थी कि फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए और आपके लिए फ्रिक्शन आपकी एनर्जी वेस्ट भी करता है। तो उसके लिए एक जो लाइन है वो ये है कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। अब इसे हिंदी में भी मैं लिख लेता हूं अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो, एक आवश्यक दोष है, यानी कि इसका इंपॉर्टेंस भी है और ये हमारे लिए एक तरीके से डिसएडवांटेज भी क्रिएट करता है। तो इंपॉर्टेंस भी देखेंगे तो आपके लिए रियल लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस रखता है। सबसे पहले हम नीड्स देखते हैं कि क्या क्या नीड्स है। देखिए अगर एग्जांपल में देखूं तो सबसे पहले मैं बताऊंगा वॉकिंग, क्या आप चलते हैं, अगर आप फ्रिक्शन नहीं होगा आपके नीचे सरफेस और आपके लेग्स के बीच में जो सरफेस रहता है उसमें फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप स्लाइड कर जाएंगे, रोल कर जाएंगे, फ्रिक्शन अगर नहीं हुआ तो आप चल नहीं पाएंगे, एक जगह आप रह नहीं पाएंगे, तो वो सब चीजें फ्रिक्शन की इंपॉर्टेंस होती है। दूसरा अगर हम देखें, आपको जनरल एग्जांपल बता रहा हूं, हर जगह हर तरीके से आपके लिए फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं ताकि आप समझ जाएं कि क्या नीड्स होती हैं। अगर आप देखेंगे आपने कुछ भी चीज अगर आप राइटिंग कर रहे हैं, चाहे वो ब्लैक बोर्ड पे हो या फिर आप अपने नोटबुक में लिख रहे हैं, किसी चीज में भी लिख रहे हैं, वो फ्रिक्शन के कारण ही है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो स्लाइड कर जाएगा, आप लिख नहीं पाओगे और वहां पे कुछ भी चीज आपकी एक तरीके से इंक प्लॉट नहीं हो पाएगी। थर्ड अगर हम देखें और भी एग्जांपल हम देख लेते हैं, आपका स्ट्रिकनेस कहता हूं मैं, ठीक है, ये चीज क्या है, अगर आप किसी भी दो चीजें को आप स्टिक करवाना चाह रहे हैं तो वो ऑब्वियसली अगर फ्रिक्शन कहीं ना कहीं रहा है तभी वो एक जगह टिक पा रही है, भले ही उसमें आपने ग्लू गम कुछ भी यूज करा होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो भी नहीं हो पाएगी। चौथी चीज अगर हम देखें तो वो ब्रेक्स की भी बात करूं, अगर आपके बाइक में ब्रेक्स हैं तो ब्रेक्स लग रहे हैं तो वो भी फ्रिक्शन के कारण ही लग रहे हैं। तो नेचुरल नट एंड बोल्ट्स ये भी फ्रिक्शन से ही टिके हुए हैं, अदरवाइज ये भी नहीं स्लिप हो जाए। तो ये देखें अगर नेचुरली, तो अगर सारी चीजें जितनी भी रियल लाइफ में यूज हो रहे हैं आपकी, हर चीज फ्रिक्शन पर डिपेंड भी करती है। बट फ्रिक्शन के हम डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज जो मैंने बताया कि कुछ डिसएडवांटेज भी है और वो क्या है, वो यही है कि आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, वेस्ट ऑफ एनर्जी
ठीक है, आप इफिशियंट वर्क नहीं कर पाएंगे, फ्रिक्शन ज्यादा रहा तो आपको ज्यादा वर्क करना है, और आपको फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा लॉस करनी पड़ेगी। तो एनर्जी लॉस सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपकी एनर्जी लॉस हो जाती है फ्रिक्शन के कारण, और उसी को हम कम करने के लिए बहुत सारी चीजें फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज करते हैं। आप देखिए फ्रिक्शन कम कैसे किया जा सकता है, उस चीज का हम देखेंगे तो बता देता हूं मैं आपको, आप फ्रिक्शन कैसे कम करते हैं, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। जनरली देखिए फ्रिक्शन आप किसी ऑयलिंग करके रिड्यूस कर सकते हैं, सेकेंडली पॉलिश करके, सरफेस पे पॉलिश करके स्मूथ बना देते हैं तो उससे भी आपका फ्रिक्शन रिड्यूस हो सकता है। आप अगर लुब्रिकेशन का यूज करें, जो मैंने ऑयल की बात करी वही चीज है, लुब्रिकेशन कर दें तो भी आप कर सकते हैं आप इसको रिड्यूस। और साथ में देखेंगे तो आप बॉल बियरिंग जो होती है आपकी मशीन में, आपने देखा होगा मशीन में यूज होती है, तो वो बॉल बियरिंग के थ्रू भी मशीन में आप इसको कम कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, अगर फ्रिक्शन ज्यादा जनरेट होगा मशीन में तो हीट डेवलप होगी, और हीट डेवलप होने के कारण मशीन के लिए डिसएडवांटेजेस होगा, क्योंकि मशीन को नुकसान हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इसी कारण से फ्रिक्शन ज्यादा नहीं होना चाहिए कहीं भी चीज में, तो क्योंकि आपकी एनर्जी ज्यादा लॉस होगी तो आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा उस चीज पर, एनर्जी लॉस होगी तो आपका ही नुकसान है। सो फ्रिक्शन को हमें किसी भी हाल में जितना कम कर सकते हैं उतना हमें कम करना होता है, मशीन के केस में ज्यादातर, क्योंकि अगर वहां हीट जनरेट होगी तो आपके पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं, तो फ्रिक्शन को हमें कम भी करना पड़ता है। बट देखा जाए तो फ्रिक्शन नुकसान आपको पहुंचा तो रहा है, बट आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद भी है, क्योंकि काफी चीजें आपको रियल लाइफ में, जितने भी आपके एप्लीकेशन है सभी चीजें वो सभी आप फ्रिक्शन के बलबूते पे ही कर पाते हैं। तो फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल, ये चीज जो है आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैं आपको नेक्स्ट जो चीज बताने वाला हूं वो लास्ट होने वाले इस टॉपिक का, वो होने वाला है आपके लिए सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसके बाद ये टॉपिक एंड अप हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल पिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है, अगर इसके हम हिंदी में भी लिख लेते हैं, आपका सेंट्रीपिटल जो होगा अभी अभिकेंद्र फोर्स जिसे कहते हैं हम, बल अभिकेंद्र बल, और साथ ही में आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या कहते हैं, अपकेंद्र बल। ओके, तो ये दो चीजें हैं जो हम समझ लेते हैं। देखिए डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं, ये आप डायग्राम देखिए यहां पर ऊपर है, तो ये डायग्राम देखिए आप, एक तरफ सेंट्रीफ्यूगल है और एक तरफ आपका जो फ्यूगल है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल है और सेंट्रीपिटल, हम पहले सेंट्रीपिटल देखते हैं। देखिए आप अगर किसी भी सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म में, मोशन मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका, हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं उसी से डील करेंगे। तो देखिए आपकी बाइक किसी भी सर्कुलर पाथ पे चल रही है, मोड़ है जो मान लीजिए, या कुछ भी स्पायरल कर्व है, कुछ भी है, तो आप सर्कुलर पाथ को अगर फॉलो कर रहे हैं, मोशन फॉलो कर रहे हैं, तो देखिए गाड़ी तो आपका जो है वो ऑलवेज आपके उस सर्कुलर जो सर्कमफ्रेंस है उसके टेंजेंट रहेगी, ये जो डायरेक्शन दिख रहा है इससे रहेगा आपका मूवमेंट। बट क्या होगा, सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो टुवर्ड्स द सेंटर रखता है, यानी रेडियस अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, यानी कि जो आपका आपकी बाइक या गाड़ी जो भी है वो आपका सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो इस तरह लगेगा जिस तरह मैंने बताया, अलोंग द रेडियस जाएगा। ठीक है, तो क्या है, उसी कारण से आपकी जो ये सर आपके जो जो आपकी बाइक, आपकी जो कार, जो भी चीज है, आप ट्रेन हो चाहे कुछ भी हो, वो सर्कुलर मोशन मोशन या फिर पाथ फॉलो कर पाती है। अगर सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं होगा तो ये आउटवर्ड इधर सीधे चले जाएगी, आपका फॉलो नहीं हो पाएगा। तो सेंट्रिपिटल फोर्स उसे क्या करता है, उसको सर्कुलर पाथ में बांधे रखता है कि वो सर्कुलर पाथ फॉलो करती जाए। डायग्राम से समझ में आ गया, मुझे डेफिनेशन लिखने की नीड नहीं है, ठीक है, तो आप डायग्राम से समझ जाएंगे सारी चीजें। तो ये चीज पहली हो गई कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, इसी का अपोजिट होता है आपका सेंट्रीप्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल जो आपका अपकेंद्र फोर्स है वो क्या, देखिए वही अगर मैं बात करूं, आपका गाड़ी सर्कुलर मोशन चल रहा है, सर्कुलर पाथ तो फॉलो कर गई उस सेंट्रीपिटल फोर्स से, आप गोल गोल इसमें चक्कर लगा रहे, आपने देखा जिस तरह आपका जो डायरेक्शन है वो टेंजेंट होगा सरफेस से, ये चीज आप जानते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स आपका इस तरफ लग रहा है, वो भी मैं बता चुका हूं। अब सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, रेडियस के अलॉग ही रहता है, बट क्या होता है, आउटवर्ड्स होता है, यानी कि वो आउटवर्ड्स की तरफ जाता है, बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसे बाहर की तरफ धकेलता है। और इसी कारण से हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी जो रोड साइड होती है एक साइड से ऊंची रहती है, दूसरी साइड से कम होती है, मोड़ पे देखा देख रखते हैं जनरली, तो उस कारण से ताकि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो आउटवर्ड चल बाहर आपकी ऑब्जेक्ट या फिर कुछ भी बाइक या आपकी गाड़ी कुछ भी हो वो आउटवर्ड नहीं फिका, इस कारण से उसे उसे रेजिस्ट करने के लिए हम ये सब करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड लगता है और इनवर्ड कौन सा लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये दो चीजें, दो डिफरेंस है, आप ध्यान रखिएगा। एंड अगर फॉर्मूला कभी बाय चांस पूछ ले तो सेंट्रीपिटल फोर्स का देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, हाफ एमवी स्क्वायर, ठीक, एमवी स्क्वायर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके सॉरी, हाफ नहीं, हाफ एमवी काइनेटिक का होता है, एमवी स्क्वायर बाय आर, ये चीज ध्यान रखिए बस।
एमवी स्क्वायर बाय आर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और एक अगर इक्वेशन की भी बात करूं तो इक्वेशन भी है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मैं एक्सेलरेशन में आपको पहले भी बता चुका हूं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन समझा चुका हूं पिछले लेक्चर्स में, बाकी जितने भी लेक्चर्स थे उसमें। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इंटू आपका सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो मास प्रोडक्ट है मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, ये चीज ध्यान रखिए। तो ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको मैं बता चुका हूं। अब क्या होगा, दोनों डिफरेंस आपने देख लिया है। अब आपको जो एग्जांपल्स हैं वो चीज जरूरी है कि क्योंकि एग्जाम में वही चीज पूछी जाती है कि एग्जांपल्स क्या, किस तरह हम बता सकते हैं हमारी ये जो चीजें जो है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, तो वो हम अब देख लेते हैं। तो अब जो एग्जाम्पल हम देखेंगे, जिस तरह हमने देखा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें बाहर की तरफ धकेल रहा था, हम रोड पर थे, तो वो तो हमारे लिए एक तरीके से दुश्मन ही हुआ कि हमें वो रोड पर चलने नहीं दे रहा है। तो बट उसका एग्जाम्पल जो आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम किस तरह एप्लीकेशन उसका यूज करते हैं हम हमारे रियल लाइफ में, और हम किस तरह उसे हम अपने अप्लायंस में यूज करते हैं ताकि हमें उससे फायदा हो सके, तो वो भी चीज देख लीजिए। तो देखिए आपको दो एग्जाम्पल मैं लिखूंगा, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और इसके तरह आप दो एग्जाम्पल समझ लेंगे। तो अगर एग्जाम में दूसरा भी एग्जाम्पल पूछ लिया और उसका आपको यूज पता हो तो आप पता कर लेंगे कि हाँ वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है। ओके, तो पहला मैं लिखूंगा क्रीम सेपरेटर, ठीक है, क्रीम सेपरेटर यानी क्रीम को अलग अलग करने वाली मशीन। दूसरा मैं देखूंगा वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में भी स्पेशली ड्रायर की बात करूंगा, तो आप समझ रहे होंगे आपने इनके यूजेस देखे। अब क्रीम सेपरेटर है जो आप मान लीजिए आपका जो ये क्रीम सेपरेटर का सर्कुलर कंटेनर है, ठीक है। अब यहां पर सर्कुलर मोशन कराया हमने, इसका सर्कुलर मोशन हमने कराया। अब क्या है, आपने क्रीम बना रहे हैं तो आपकी जो क्रीम होगी वो यहां पर जबकि एक्स्ट्रा आपकी सारी उसके सर्कमफ्रेंस पे आके आ जाएगी और अगर उसमें आउटलेट होगा तो वो निकल लेगी बाहर। ओके, क्रीम क्रीम आपकी अलग अलग हो गई है, बाकी का पार्ट वो सेंटर में रह जाएगा। तो क्यों अलग हुई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण कि आपने सर्कुलर मोशन करवाया और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस तरह लगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है ये चीज बता चुका हूं। तो रेडियस के अलावा आउटवर्ड लगता है तो वो आउटवर्ड जाने के कारण उसे बार बार क्रीम कर देता है और बाकी चीजें अंदर ले जाती है। तो क्रीम सेपरेटर का आपने अगर देखा होगा तो उसमें आप इजिली समझ सकते हैं और इसको आप रिलेट कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन ड्रायर भी कुछ इस तरह ही है, आपका ये वॉशिंग मशीन ड्रायर है, आपने इसमें कपड़े डाले, आपने देखा होगा इसमें यहाँ छोटे छोटे परफोरेटेड रहते हैं यानी कि यहाँ पे छेद रहते हैं पानी के लिए और सब चीजों के लिए। तो आपने इसमें क्लोथ्स डाले तो अब यहां पर ये भी ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन ही कराते हैं हम, इसमें सर्कुलर मोशन तो हो रहा है। अब उसमें क्या हो रहा है, आपने देखा होगा सारा पानी और सारी जितने भी मॉइस्चर था वो इनसे बाहर आ जाता है, ठीक है, बाहर आने लग जाता है और वो सर्कुलर मोशन होने के बाद ही आता है, रख देंगे तो नहीं आएगा, वो वहीं रहेगा। सर्कुलर मोशन कराया, अंदर एनर्जी डेवलप हुई और सारी चीजें उसको आउटवर्ड ले जा रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको, तो सारी चीजें मॉइस्चर जो है बाहर आ जाता है और आप इसमें देखेंगे कपड़े आपके अंदर यहां पे आपके जो सर्कमफेरेंस के अराउंड लग जाते हैं और वहां पर आपका सारे कपड़े सूख जाते हैं क्योंकि उसका मॉइस्चर ऑलरेडी वो आउट कर देता है। तो वॉशिंग मशीन ड्रायर भी कुछ इस तरह ही इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। तो ये दो एग्जांपल काफी हैं। इसी तरह आप कुछ भी दूसरी चीज देखेंगे जहां पर अगर आप एग्जांपल आप देख लेंगे, अगर उसमें आपके ऑप्शंस में एग्जांपल्स जितने भी दिए होंगे चारों अलग अलग, तो कहीं ना कहीं दो तीन रिलेट रिलेट दो एक रिलेट भी करेंगे, बट आप उसका अगर यूज पता हो कि वो एग्जांपल का यूज वो अप्लायंस या फिर कुछ भी चीज दे रखी है वो उसका यूज क्या होता है, वो किस तरह यूज होती है, तो आप एकदम क्लिक हो जाएगा, इमेजिन कर लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। तो इस तरह आप कर सकते हैं ये सब चीजें और क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो इन्हीं एग्जाम्पल्स और रियल लाइफ में जो यूज होने वाली चीजें उन पर ही आते हैं ज्यादातर साइंस में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ओके, तो यहां पर हम इस टॉपिक को यहीं एंड अप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये चैप्टर यहां पे खत्म हो चुका है और बीच बीच में मैं क्वेश्चन सीरीज भी आपकी करवा दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो पहले पूछे गए। ओके, और वो भी हम देख लेंगे और चैप्टर वाइज रख लेंगे उनको ताकि आप जो चैप्टर पर्टिकुलर आप पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर लें। और उम्मीद है आप सारे क्वेश्चन आप जो भी बुक आपके पास हो उसमें आप लगा के देखें, आप इन लेक्चर्स के बाद उम्मीद है कि आप लगा पा रहे होंगे, ज्यादा तकलीफ आएगी नहीं क्योंकि सारे कंसेप्ट में एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल अच्छे से आपको बढ़ा रहा हूं डिटेल में। लंबा जा रहा है लेक्चर बट फिर भी आपको डिटेल में एक बार आपने पढ़ लिया तो आपको कोई भी एग्जाम में वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे क्वेश्चन देखेंगे और आप आंसर लगा सकते हैं, इस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम उम्मीद है कि ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे, उसके पहले हो सकता है क्वेश्चन आए या फिर ग्रेविटेशन के बाद भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर से सेम जगह, और जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए, फिर से मिलते हैं। अब विदा लेता हूं, जय हिंद, वंदे मातरम।